हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेम्बला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सैटर्न की 10th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। आइए देखते हैं कि अगर शनि देव एरीज लगन के 10th हाउस में विराजमान हो जाएं, तो हमें किस तरह के रिजल्ट्स देंगे। दोस्तों, ये शनि देव का अपना ही घर है, ये इनकी साधारण राशि है, 10 नंबर राशि, और यहाँ की प्लेसमेंट से एक पंच महापुरुष योग भी बन जाता है, सशा नाम का योग बनता है। ये शनि देव का योग है, पंच महापुरुष योगों में से एक बहुत अच्छा योग है। 10th हाउस बिलोंग करता है हमारे सोशल स्टेटस से, कर्म भाव है, हमारे काम से, प्रोफेशनल लाइफ से, प्रोफेशनल कैरियर से, सोशल स्टैंडिंग से, सोशल रेपुटेशन से, गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट की सपोर्ट से, अप्रिसिएशन से एंड ग्रोथ से, स्टेबिलिटी से, और ओवरऑल ये देखा जाए तो हमारे प्रोफेशनल वर्क और सोशल स्टेटस का ही हाउस है 10th हाउस। तो दोस्तों, यहाँ शनिदेव 11th हाउस के लॉर्ड होके बैठे हुए हैं। 11th जो साइन है वो शनिदेव का मूल त्रिकोण साइन है। तो दोस्तों, ये भी अपना शनिदेव का साइन है, तो यह माना जाता है शनिदेव इज वेरी पावरफुल, और ये नेटिव को थोड़ा सा मेहनत करा के काफी हाइट पे ले जा सकते हैं। अगर इंसान नौकरी में है तो छोटे लेवल से भी अगर वो स्टार्ट होता है तो इस प्लेसमेंट से उसको एक हाई पोजीशन भी मिल सकती है ग्रेजुअली, यानी कि मैनेजमेंट में ही कैन होल्ड ए पावरफुल पोजीशन, आई मीन आफ्टर अ कपल ऑफ इयर्स, और ये ग्रेजुअल राइज होगा। यहाँ पर अगर इंसान अपना बिजनेस करता है तो यहाँ शनि से रिलेटेड अगर कोई बिजनेस करता है इंसान तो ज़्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है। अब शनि से रिलेटेड बिजनेस तो आपको मालूम ही है, इट कैन बी मेटल रिलेटेड बिजनेस, ऑयल रिलेटेड बिजनेस, रिफाइनरी, माइनिंग, या हमारे जितने भी खनिज हैं ज़मीन के नीचे से निकलते हैं उनको सैटर्न ही गवर्न करते हैं, उनमें शनिदेव ज्यादा ब्लेस करेंगे। और यहां पर दोस्तों, ये डिपेंड करेगा कि इंसान किस तरह का काम करेगा, ये डिपेंड करेगा दूसरे प्लैनेट्स की सपोर्ट से भी, क्योंकि यहां जो कारक प्लैनेट है वो दूसरे हैं। शनिदेव कारक प्लैनेट नहीं है एरीज लगन में, स्टिल ये अपने ही हाउस में है तो इसलिए पावरफुल है, और इंसान को ये हाइट पे ले जाता है, प्रोग्रेस कराता है, लेकिन हार्ड वर्क कराता है क्योंकि कर्म भाव है। हाँ, लेकिन यहाँ पर शनि के बहुत लेट रिजल्ट्स हम नहीं देखते। यहाँ शनि 28 साल के बाद इंसान को ब्लेस करना शुरू हो जाते हैं और 32 साल के बाद कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी दे देते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि और क्या क्या देंगे यहाँ शनिदेव बैठ के। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर सैटर्न वुड बी ए हैविंग ए ट्रेडिशनल अप्रोच इन हिज लाइफ। जो भी काम करेंगे उनकी अप्रोच ट्रेडिशनल रहेगी। यहाँ पर गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट मिलेगी नेटिव को। यहाँ पर इंसान जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको उसमें ही रह के काम करेगा और डिविएट नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर यहां पर मैलिफिक इंपैक्ट है, यानी केतु या राहु बैठे हुए हैं, तो ये फिर उन डिसिप्लिन्स को नहीं फॉलो करेगा। दिस नेटिव विल ब्रेक ऑल द डिसिप्लिन्स एंड आई मीन इसकी एक डिफरेंट तरीके का मूव रहेगा लाइफ में। राहु बैठ जाए तो उल्टे सीधे काम भी करवाएगा, केतु बैठ जाए तो प्रोफेशनल लाइफ में ब्रेक्स देगा, चेंजेस देगा, छुड़वाएगा, नुकसान देगा, कुछ भी दे सकता है
केतु इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल प्लैनेट और खासकर नेगेटिव चीजें ही देता है मटेरियलिस्टिक लाइफ में। और वैसे तो सैटर्न का एफ्लिक्शन काफी प्लैनेट से हो जाता है, लेकिन क्योंकि सैटर्न पावरफुल है इसलिए हम ये दो सैटर्न से भी ज्यादा पावरफुल प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं जो इसको अच्छी तरह एफ्लिक्ट कर देते हैं, राहु और केतु। और दोस्तों यहां पर शनि देव बैठ के आपसे मेहनत करवाएगा और आपको इस्टैब्लिश करेगा अपने प्रोफेशन में। अब वो प्रोफेशन क्या होगा वो हम आपको बताते हैं कि अगर आपके चार्ट में सूर्य बलि है तो ये कहीं गवर्नमेंट सर्विस की तरफ आपको ले जा सकता है और अथॉरिटेटिव पोजीशन दे सकता है। और अगर आपके चार्ट में मंगल बलि है तो ये आपको कंस्ट्रक्शन वर्क में ले जा सकता है या डिफेंस सर्विसेज में ले जा सकता है या आपको पुलिस सर्विसेज में ले जा सकता है या प्रॉपर्टीज वगैरह में आपको ले जा सकता है। और यहाँ पर अगर आपका बुध बलि है तो यहाँ पर ये आपको ट्रेड एंड कॉमर्स में भी ले जा सकता है, और अगर ये नेटिव की क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड है तो ये कहीं ना कहीं आपको आईटी में, कंप्यूटर साइंस में, प्रोग्रामिंग में, अकाउंट्स में, कैलकुलेशन में, मैथ्स में, लैंग्वेजेस में, इनमें ले जाएगा। और इंसान जो आजकल मॉडर्न जो ब्रांचेज हैं एजुकेशन की, यानी कि कंप्यूटर साइंस और आईटी, उससे रिलेटेड काम में ले जाएगा और इंसान काफ़ी आगे बढ़ जाएगा। पर्टिकुलरली बुध अच्छा होना चाहिए, बुध आपके 11th हाउस में होना चाहिए, 10वें हाउस में होगा तो फिर ट्रेडिंग का योग बनेगा। और 6ठे में भी अगर बुध है तब भी पावरफुल माना जाएगा। और यदि आपके चार्ट में मून अच्छा है तो ये आपको एचआर में ले जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन में ले जा सकता है एंड आपको आर्किटेक्ट में ले जा सकता है, मेडिसिन्स में ले जा सकता है। तो आप सैटर्न के साथ अपने चार्ट में ये देखिए कि आपका कौन सा प्लैनेट पावरफुल है। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, अगर आपको सूर्य और मंगल दोनों पावरफुल हैं, अच्छे प्लेस्ड हैं, तो डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट डिफेंस सर्विसेज में ले जाएंगे। और अगर सूर्य बहुत पावरफुल है, बहुत बली है, तो अच्छी पोजीशन भी ये दे देते हैं। अगर गुरु भी साथ में पावरफुल है सूर्य के साथ साथ, तो ये आपको कहीं फाइनेंशियल सेक्टर में भी एग्जीक्यूटिव पोजीशन में ले जा सकते हैं, बैंक्स वगैरह में, लाइफ इंश्योरेंस में, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। तो आपको ये दूसरे प्लैनेट्स पे नज़र डालनी है और देखना है कि आप किस तरीके का कैरियर परस्यू करेंगे अगर सैटर्न यहाँ पर पावरफुल पोजीशन में बैठा है। हाँ, यहाँ पर नक्षत्रों की बात अभी करेंगे, उससे भी काफ़ी कुछ हमें पता लगेगा। यहाँ पर बैठा हुआ सैटर्न 3rd आस्पेक्ट से 12th हाउस को देखता है, तो काम के सिलसिले में, नौकरी के या बिजनेस के सिलसिले में ये फॉरेन कंट्री से जुड़ेगा, वहाँ जा भी सकता है, फॉरेन असाइनमेंट में भी जा सकता है, फॉरेन अगर व्यापार में है तो फॉरेन ट्रेड में भी जा सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। और इसके जो एक्सपेंसेस होंगे वो भी कंट्रोल्ड होंगे, ओवर एक्सपेंडिचर्स में नहीं जाएगा। सैटर्न वैसे ही ऐसा प्लैनेट है, ये हर चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करता है, कंट्रोल करता है। तो 12वें हाउस को देखेगा तो बड़ा पावरफुल पोजिशन में बैठा है, तो 12वें घर के खर्चों को कंट्रोल करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा और 12वें घर से फायदा उठाने की कोशिश करेगा। और उसके बाद इसकी 7th आस्पेक्ट पड़ेगी 4th हाउस पे, 4th हाउस से रिलेटेड भी इसको ब्लेसिंग्स ही मिलेंगी, यानी कि परिवार से जुड़ा रहेगा, मदर की इज्जत करने वाला होगा और ही विल बी ब्लेस्ड विद द लैंडेड प्रॉपर्टी, हाउस, व्हीकल, लग्जरीज, कन्वीनियंसेस, इमोशनल केयर, ये सारी चीज़ें इसको ब्लेस, क्योंकि यहाँ पर पंच महापुरुष योग, सशा योग बन रहा है। सैटर्न बिकम्स वेरी पावरफुल एयर एंड सैटर्न इज ए पॉजिटिव इन दिस हाउस।
डिस्पाइट हिज ओरिजिनल नेचर, थोड़ा सा रूड रहना, थोड़ा सा एग्रेसिव रहना, एरोगेंट रहना, ये डिले करना चीज़ों को, ये नेचुरल चीज़ें हैं सैटर्न में। लेकिन यहाँ पर सैटर्न के हम 80% रिजल्ट्स पॉजिटिव देखते हैं, एंड ही विल बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। अपने सबॉर्डिनेट्स की भी बहुत केयर करेगा, 10th हाउस में जो उसके होंगे, और यहाँ पर अपनी मदर की या फैमिली की भी बहुत केयर करने वाला होगा। और दोस्तों इसकी 10th एस्पेक्ट पड़ेगी इसके विवाह स्थान पे, तो इसका विवाह स्थान भी ब्लेस्ड रहेगा और एक लॉन्जेविटी अच्छी देखते हैं हम सैटर्न की इस दृष्टि से। विवाह स्थान पे विवाह चलेगा, पूरी लाइफ चलेगा, एक स्टेबिलिटी रहेगी विवाहिक लाइफ। जब तक विवाह स्थान बिगड़ा हुआ, अगर विवाह स्थान बिगड़ा हुआ है, यानी कि 7th हाउस का रिलेशन कहीं 6th हाउस से हो रहा है या 8th हाउस से हो रहा है, या वहाँ पर कोई मैलिफिक प्लैनेट्स की एनर्जीज हैं, वो तो एक डिफरेंट पोजीशन होगी। हम तो शनि देव की बात कर रहे हैं, शनि देव यहाँ ब्लेस करेगा वैवाहिक जीवन में। अगर कोई और वहाँ वैवाहिक स्थान पे, यानी 7th हाउस में और कोई मैलिफिक इफेक्ट नहीं है या वो हाउस डिस्टर्ब नहीं है, तो यहाँ पर विवाह अच्छा रहेगा। और यहाँ पर एक थोड़ी सी जो चीज़ देखी गई है वो ये है कि यहाँ पर इंसान एक वर्कहोलिक हो जाता है, उसको अपना बैलेंस बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। ही गिव्स मोर टाइम टू हिज प्रोफेशन, वेदर ही इज इन सर्विस और बिजनेस, ही वुड डिवोट मैक्सिमम आवर्स ऑफ द डे टू हिज प्रोफेशन। हाँ, लेकिन बट ही टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहीं भागने का योग नहीं बनता यहाँ पर। ही विल फुलफिल, ही विल कंप्लीट ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ 4th हाउस एंड 7th हाउस, यानी कि माँ के घर की और वाइफ के घर की। और दोस्तों यहाँ पर बैठा हुआ सैटर्न मिलेगा आपको उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में 10 डिग्री तक। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का है, अगर सूर्य की पोजीशन अच्छी मिलती है तो गवर्नमेंट सर्विस में भी ले जा सकता है ये आपको। और अगर सूर्य की पोजीशन ठीक नहीं है तो फिर थोड़ा सा ये गवर्नमेंट सर्विस में आपको नहीं ले जाएगा, फिर आपको दूसरे प्लैनेट्स की देखने की ज़रूरत है। और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में के बाद आता है यहाँ पर श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र चंद्रदेव का है, आप फिर चंद्रदेव की पोजीशन देखिए, अगर चंद्र पावरफुल है तो डेफिनेटली यहाँ पर इंसान को अच्छी सेटलमेंट होगी कहीं इन्हीं फील्ड्स में जो हमने डिस्कस किए, मून से रिलेटेड मेडिसन्स में, एचआर में, एडमिनिस्ट्रेशन में, न्यूरिशमेंट में, कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जिसमें न्यूरिशमेंट हो, मदरली न्यूरिशमेंट हो। तो हालांकि चंद्र और सैटर्न में एनिमिटी है, लेकिन ये नक्षत्रों का खेल थोड़ा सा डिफरेंट है। नक्षत्रों के लॉर्ड की प्लेसमेंट हमें बता देती है कि सैटर्न विल परफॉर्म पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसलिए आपने मून की पोजीशन देखनी है, इफ मून इज वेल प्लेस, स्ट्रांगली प्लेस, इट विल परफॉर्म वेल। और फिर श्रवण नक्षत्र के बाद आता है धनिष्ठ नक्षत्र मंगलदेव का, जो कि श्रवण नक्षत्र रहेगा आपका 10 से 23.2 डिग्री तक, और फिर धनिष्ठ नक्षत्र 23.2 से आगे पूरा 30 डिग्री तक इसी हाउस में धनिष्ठ नक्षत्र रहेगा, बल्कि वो उससे भी आगा अगले साइन में भी चला जाता है। तो दोस्तों धनिष्ठ नक्षत्र में आपने मंगल की पोजीशन देखी, देखिए यहाँ पर तीनों प्लैनेट्स एनिमी प्लैनेट्स हैं सैटर्न के, यानी कि सूर्य भी, चंद्र भी और मंगल भी। लेकिन सूर्य 10th हाउस में बहुत बली हो जाते हैं, उनको वहां पर बल मिलता है, और मून तो इधर, यानी कि मून की पोजीशन अपने हाउस में या सेकंड हाउस में या फिफ्थ में या नाइन्थ में अच्छी मानी जाती है, लेकिन मंगल भी 10th हाउस में बली हो जाते हैं। लेकिन मंगल और सैटर्न या सूर्य और शनि का क्लोज कंजंक्शन में बैठना अच्छा नहीं माना जाता, यानी कि अगर इफ़ देर इज़ अ डिफरेंस ऑफ लेस देन 3 डिग्रीज बिटवीन सन एंड सैटर्न और मार्स एंड सैटर्न, तो कुछ ना कुछ कंट्राडिक्शंस रहती हैं,
कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर डिग्री में गैप है थोड़ा तो मंगल और सैटर्न भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपको बड़ी हाइट पे ले जाएंगे। सूर्य और शनि भी अच्छी कैरियर की आपको हाइट पे ले जाएंगे, वहाँ कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सूर्य अपने फल देंगे, शनि अपने फल देंगे। अगर डिग्री में थोड़ा गैप है तो यू फॉरगेट, यहाँ पर आपसी एनिमिटी, आपसी लड़ाई का योग कम बनेगा। लेकिन अगर क्लोज ही कंजंक्ट हो गए लेस देन 3 डिग्री, तब थोड़े बहुत बीच में ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे, थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ भी होंगी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी आएंगी, लेकिन फिर भी इंसान यहाँ पर आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों ये थी छोटी सी डिस्कशन हमारी सैटर्न की 10th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये डिस्कशन आपके लिए यूजफुल है एंड यू आर कनेक्टिंग योर चार्ट टू दिस कन्वर्सेशन। एज यूजुअल माई नंबर इज 9899105355। इफ़ यू वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी सॉर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस यू कैन डायल दिस नंबर एंड हैव ए गुड टाइम। दिस इज ए टफ टाइम डेफिनेटली, आई मीन इट बींग इन करोना, बट आई थिंक स्टे एट होम एंड be happy with your family and we'll see you tomorrow. Have a nice time. Thank you very much for watching this video.